हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द विनिंग एज का डिफेंस चैनल और इस चैनल पर आप आते हैं आरएएनसी सैन स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, यूपी सैन स्कूल के बारे में इम्पोर्टेंट, रोचक एंड टाइमली जानकारी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि जो सैनिक स्कूल का ई काउंसलिंग चल रहा था राउंड सिक्स तक, वो ई काउंसलिंग था और उसके बाद अभी ऑफलाइन काउंसलिंग स्टार्ट हो गया था या हो चुका है, लेकिन जो सिक्स राउंड में हुआ गड़बड़, वहां पर बहुत सारे पेरेंट्स अफेक्टेड। जब नोटिफिकेशन आया कि अगर आपका बच्चा सिक्स राउंड में उसको सैनिक स्कूल अलॉट हो गया है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, नॉर्मल ऑप्शन होता था एक्सेप्ट, रिकंसीडर या एग्जिट, ए आर ई बोलते हैं, लेकिन अभी उन्होंने क्लोज पोर्टल नाम का एक नया ऑप्शन डाल दिया। पहले आप यदि एक्सेप्ट कर लेते हो आपने उस स्कूल में ज्वाइन करना है, रिकंसीडर जब आप दबाते हैं वो स्कूल आपके उससे आउट हो जाता है और आपको दोबारा उस स्कूल के लिए कंसिडर नहीं करा जाएगा, लेकिन उन्होंने क्लोज पोर्टल का ऑप्शन दिया कि यदि आप क्लोज पोर्टल दबाते हैं, ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं, तो आपने जिस स्कूल को अलॉट किया है वो भी बाद में ऑफलाइन काउंसलिंग में आपको उसकी भी चॉइस दी जाएगी, उससे आपको निकाला नहीं जाएगा। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिन्होंने वो वीडियो देखा और क्लोज पोर्टल ऑप्शन अपना एक्सरसाइज किया। अब जब सैनिक स्कूल सोसाइटी से जब वो अपना लॉग इन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई हमने तो आपको ऑप्शन दिया था, आपने एग्जिट बटन दबाया, जबकि इनकी नोटिफिकेशन में अपने आप है लिखा हुआ है साफ कि ये क्लोज पोर्टल और एग्जिट अलग अलग है, मैं उसमें पूरा एक्सप्लेन करूंगा। अब वो पेरेंट अटक गए हैं क्योंकि एक व्यक्ति है जो मेरे साथ संपर्क में, 262 नंबर हैं उनके बच्चे के 300 में से, गोपालगंज उनको स्कूल मिला था और उन्होंने क्लोज पोर्टल करा, नोटिफिकेशन पढ़ा, हमारा वीडियो देखा और हमारे वीडियो में कोई गलत नहीं क्योंकि हमारा वीडियो तो फैक्चुअल डेटा पर आधारित है। अब उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, लेकिन इनजस्टिस इस देश में एक्सेप्ट नहीं करना है। आपने प्रधानमंत्री ऑफिस तक इस बात को ले जाने के लिए क्या लॉजिकल तरीका है, क्या लीगल तरीका है वो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आपने क्या करना है, जो सैनिक स्कूल सोसाइटी के जो सबसे ऊपर वाले अधिकारी हैं वो हैं ऑनररी सेक्रेटरी जो हैं सैनिक स्कूल सोसाइटी, उनको चिट्ठी लिखेंगे, इंस्पेक्टर साहब को चिट्ठी लिखेंगे, चिट्ठी जाएगी फिजिकल फॉर्म में, आपने जल्दी से जल्दी ये चिट्ठी भेज देनी है। वो क्या चिट्ठी है हम बताएंगे, कैसे लिखनी है हम बताएंगे। जो स्क्रीन पर पट्टी पर एक नंबर आ रहा है 7417656633, इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे, वो लेटर का हम आपको वर्ड भेज देंगे, उसमें आपने बच्चे की डिटेल भरनी है, बच्चे का एडमिट कार्ड, सॉरी जो उसका स्कोर कार्ड है लगाना है, साथ में ये नोटिफिकेशन की कॉपी लगानी है। 25-30 रुपए आपके खर्च होंगे पक्का करें, लेकिन इनजस्टिस को एक्सेप्ट नहीं करें। अब ये क्लोज पोर्टल आपने किया था, एग्जिट हो गया, आगे क्या करें उस बारे में वीडियो बनाया जा रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। और ये मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा उन सबके लिए जो कह रहे थे कि जी हमने तो आपके कहने पर कर दिया, भाई हमने तो वही कहा है जो सरकार ने लिख के दिया, उन्होंने साफ साफ लिखा है एग्जिट, इफ अ कैंडिडेट सेलेक्ट द एग्जिट ऑप्शन देन इट विल बी कंसिडर्ड दैट कैंडिडेट इज ऑप्टिंग आउट ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस। मतलब यदि आप एग्जिट एक्सरसाइज करते हैं, आप चाहते हैं दिल से कि हमें काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर कर दिया, बिल्कुल ठीक है, उसमें तो कोई इशू ही नहीं है। उन्होंने कहा है इसके बाद वो वापस ऑफलाइन काउंसलिंग में शामिल नहीं किए जाएंगे और कैंडिडेट्स हु डू नॉट रिएक्ट टू द एलोकेटेड सीट इन एनी राउंड विल बी अलॉटेड एग्जिट ऑप्शन। ये उनके लिए भी था कि आपको गोपालगंज मिला, आपने कुछ भी नहीं किया, उनको ऑटोमेटिकली ऑप्शन क्या कर दिया था, एग्जिट कर दिया। लेकिन जब राउंड 6 आया तो एक नोटिफिकेशन आया, आप उस नोटिफिकेशन की प्रति पाना चाहते हैं, हम क्या करेंगे, इस गूगल ड्राइव, इस वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन में एक गूगल ड्राइव का लिंक डाल देंगे, उसमें वर्ड डॉक्यूमेंट है जो ब्लैंक चिट्ठी है और ये नोटिफिकेशन दोनों डाल देंगे। कई पेरेंट्स हैं, वो नोटिफिकेशन अभी डाउनलोड नहीं हो रही, वो नोटिफिकेशन आधार है आपकी लीगल लड़ाई लड़ने, चाहे आपका बच्चा जाए या ना जाए, लेकिन जो सरकारी बाबू है या क्लर्क है उसकी गलती का जो ठीक रहा है आपके सर नहीं फूटना चाहिए, ये हम आपको गाइड कर सकते हैं। मैं कोई सरकारी अधिकारी नहीं, मैं रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर हूं, लेकिन मुझे पता है कि एक हर काम करने का लॉजिकल लीगल तरीका है, बिना एजिटेट हुए, बिना कुछ हुए, और हमारे देश का जो न्याय है उसमें देर है पर अंधेर नहीं, देर सवर मिलेगा आपको, रिड्रेसल मिलेगा और आपके बच्चे को जो लेजिटिमेट उसकी सीट है उसको डिनाई करना किसी के बस में नहीं होना चाहिए। यहां लिखा है जी सच कैंडिडेट्स कैन नॉट पार्टिसिपेट, बिल्कुल ठीक है। ये आता है अभी क्लोज पोर्टल, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूं ताकि लाल में आपको दिखे, ये क्लोज पोर्टल, इफ अ कैंडिडेट सेलेक्ट क्लोज पोर्टल ऑप्शन देन इट विल इंप्लाई दैट द कैंडिडेट इज क्लोजिंग द वेब पोर्टल मोमेंटरीली, दिस ऑप्शन वुड नॉट एंटेल एक्सेप्ट ऑफ द अलॉटेड स्कूल और रिकंसिडर ऑप्शन और एग्जिट ऑप्शन।
यहां साफ भाई साहब लिखा हुआ है, मैडम लिखा हुआ है कि क्लोज पोर्टल का मतलब एग्जिट नहीं है। तो जो लोग चुप बैठे हैं वो भी इसके ऊपर पूरा सरकार के ऊपर प्रेशर लगाना जरूरी है, क्योंकि आप अधिकारी बन गए हैं, आप किसी उसमें कार्यालय में क्लर्क हैं और आप एक्स्ट्रा काम नहीं करना चाहते, जो कि गलत कार्रवाई है। वो बच्चा जो 10 साल का जिसने एग्जाम दिया है और वो लोग जिन्होंने ये अपना बच्चे को इतनी तैयारी कराया, क्यों इनकी गलती के कारण वो खामियाजा भुगते हैं? नहीं करना है। यहां लिखा हुआ है दिस ऑप्शन वुड नॉट एंटेल, दिस ऑप्शन इज प्रोवाइडेड टू कैंडिडेट हु आर नॉट एबल टू डिसाइड अमंगस्ट द एक्सेप्ट प्रोजेक्ट एग्जिट ऑप्शन एंड वुड लाइक टू लॉग आउट ऑफ द पोर्टल टेम्परेरीली। सब कुछ तो लिखा है। ये देखिए कितना अच्छे से ये चिट्ठी बनी है और कितना गलत इसका इंप्लीमेंटेशन हुआ है। तो यदि आप वो पेरेंट हैं जिनके बच्चे को छठे राउंड में स्कूल अलॉट हुआ था, इधर सोशल मीडिया पे शोर मचाने से कर गए कुछ नहीं होगा। फाइटा बाबू लाइका बाबू मेरी पॉलिसी है कि जो जैसी भाषा समझता उसको वैसी भाषा में जवाब दे। कल लॉयर हायर करके आपको केस करना पड़ेगा, न्याय के लिए वहां तक जाइए, एज अ पेरेंट अपना धर्म निभाइए। अब कुछ कहते हैं आप मेल कर दो, मेरा उसमें लोकल स्टैंड ही नहीं है, मैं नहीं कर सकता, लेकिन एज पेरेंट आप प्रधानमंत्री तक आपको जवाब दे हैं कि भाई ये क्यों किया गया। मिनिस्ट्री उन्हीं के अंडर में आती, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता, और लॉजिकली आप अगर सही हैं तो वहां पर जो अधिकारी बैठे हैं उनके संज्ञान में जब ये मामला लाया जाएगा, जो सैनिक स्कूल सोसाइटी में जो अधिकारी हैं जो इस मामले से डील कर रहे हैं, पक्का उनके ऊपर एक ऑफिशियल डंडा लगेगा और वो आपकी बात को एक्सेप्ट करेंगे, प्रोवाइडेड आपकी बात में दम। कुछ लोग कहेंगे जी हमने तो एग्जिट कर दिया, और नहीं, कुछ लोग कहेंगे हमने कुछ भी ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया, वो तो उसने दिया हुआ है कि अगर आप कुछ भी ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपको एग्जिट कर देंगे। ये केवल वीडियो उन लोगों के लिए जिन्होंने क्लोज पोर्टल को एक्सरसाइज किया, इलेक्ट्रॉनिक है ये, इसमें वो झूठ नहीं बोल सकते, ये आपके रिकॉर्ड को फज नहीं कर सकते, ये इलेक्ट्रॉनिक का एक फायदा भी है। आगे चलते, अब आप कहेंगे जी क्या करना है, ये रहा एड्रेस, ये है सबसे बड़े अधिकारी ऑनररी सेक्रेटरी सैनिक स्कूल सोसाइटी, रूम नंबर 108A साउथ ब्लॉक न्यू दिल्ली 110011, रजिस्टर्ड चिट्ठी भेज दो, उसके बाद बच्चे का स्कोर कार्ड लगाओ, प्रिंट आउट लगाओ, उसका स्क्रीनशॉट लगाओ और भेज दीजिए। मेरी तरफ से 3 चिट्ठियां भेज दीजिए, फ्लड होने दीजिए उनको, थोड़ी शर्म आएगी भाई साहब। दिस इज टू बी डन, और वो जो चिट्ठी भेजेंगे उसकी कॉपी आपने यहां भेज देनी है, इंस्पेक्टिंग ऑफिसर D101 सैनिक स्कूल सोसाइटी सेना भवन न्यू दिल्ली 110011। तो इनका कमरा नंबर अलग है, बाकी एड्रेस सेम है, ये D101 में बैठते हैं, ये 108A में बैठते हैं। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नीचे हम एड्रेस वाला भी जो लिखा है उसमें दोनों एड्रेस भी डाल देंगे वर्ड में, और आप वहां से भी करके कर सकते हैं। चिट्ठी क्या लिखनी है, चिट्ठी मैंने बड़ी, मुझे बड़ा मजा आता है ड्राफ्ट करने में, तो मैंने लिखा ग्रॉस इनजस्टिस ड्यू टू फ्लॉड इंस्ट्रक्शन फॉर सैनिक स्कूल काउंसलिंग, मतलब घोर अन्याय, ग्रॉस इनजस्टिस का मतलब घोर अन्याय हो गया जी हमारे पास। ये पूरी की पूरी चिट्ठी है, जहां पर मैंने ब्लॉक लिखा है, अपना नाम लिखे, माता है पिता, यहां पर कहां के रहने वाले लिखे, अपने बच्चे का नाम लिखा है, मैंने मास्टर लिखा है, अगर लड़की है तो मिस लिख दे, हु अपियर्ड फॉर AISS पूरा लिख दिया, ही परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल स्कोरिंग जितने भी नंबर लाए। अब बच्चे के 153 नंबर है तो उसको स्कूल अलॉट हुआ ही नहीं होगा, लेकिन जिसके भी 300 में से 240-250 नंबर है कोई ना स्कूल मिला होगा, और इन द 6 राउंड ऑफ वी काउंसलिंग सारी लैंग्वेज लिख दिया, ताकि हमारे देश में क्या आधी जनता बेचारी इतनी इंग्लिश नहीं लिख पाती, कोई गलत बात नहीं है, आप हिंदी बोलते हैं, हमारा हिंदी भाषी देश, 45 से 50 करोड़ लोग हिंदी बोलते लिखते समझते हैं, ये चिट्ठी आप इंग्लिश में लिखें सीधा सीधा वो अधिकारी को समझ आ जाएगी। पूरी चिट्ठी लिख के दी है और इस चिट्ठी का वर्ड वाला जो फाइल है वो आपको मिल जाएगा, एड्रेस मैंने दे दिया, बाकी हे अर्जुन आपका काम है सारा काम करना, तीर चलाना आपका काम, हम तो बेचारे गाइड है, लेकिन ये करना है, इसको छोड़ना नहीं। स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप आप करेंगे तो ये कॉपी हम भेज देंगे, अदरवाइज मैं इस प्रकार से कर रहा हूं, आपको व्हाट्सएप करना ही ना पड़े। इस वीडियो में रीड मोर जहां आता है, व्यू मोर में आता है, उसमें डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का लिंक होगा, लिंक में सारा मसाला आपको मिल जाएगा। मैं चाहता हूं जागृत और जागरूक पेरेंट होकर आप अपना कर्तव्य निभाएं। एक होता है हताश होकर बैठ जाता है, अरे कुछ होना नहीं छोड़ो, लेकिन इन पर प्रेशर लगाना बहुत जरूरी है। हम क्रांतिकारी वीडियो बनाते नहीं है, हम पंगा लेने के लिए किसी को कहते नहीं है, लेकिन जहां पर अन्याय हो रहा है भाई साहब मैडम, वहां पर अन्याय को भी आपने सहना नहीं है, ये भी है और लॉजिकल तरीका है, वहां कोई झंडा लेके धरना नहीं देना, आपने आपने चिट्ठी लिखनी, आपने अपना केस लॉजिकली प्रेजेंट करना है, उसके साथ दो ही अटैचमेंट लगेंगे, एक आपके बच्चे का स्कोर कार्ड लगेगा और दूसरा ये जो इंस्ट्रक्शन भेजी है उन्होंने उसकी प्रति लगेगी, केवल रिलेवेंट पेज की आप प्रति लगाइए, एक पेज
10 रुपए का स्टैंप लगेगा, तो टोटल 30-35 रुपए में आपका लीगल लड़ाई पहले आप जीवन की लड़े। दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। मैं चाहता हूं कि जो हमारे लायक बच्चे हैं जिनको सैनिक स्कूल में सीट मिलना चाहिए था, किसी क्लरिकल एरर या सिस्टम की गलती करके उनके साथ ये घोर अन्याय नहीं होना चाहिए। दैट इज इट। आपके और कुछ आप जानना चाहते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिखिए। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।